वो किला जो कि 3500 साल पुराना है और सुशर्मा चंद जी ने बनाया था, और वो कटोच फैमिली के। देखो 3500 साल पुराना पेड़ है यार, ये 3500 साल पुराना पेड़। हाँ ये देखिए दरवाजे कितने छोटे छोटे और झुक झुक के, मेरे हिसाब से ये भूल भुलैया वाले दरवाजे थे। और ये एक मेन, ये नहीं था मेरे हिसाब से, ये दरवाजा रुझा नहीं था, ये जो तबाह हो गया ना ये। और ये देखिए जब तबाह के नीचे गिरा था सामान जो भी पत्थर गिरा, तो ये रहा खुफिया सीढ़ियाँ। देखिए यार हाँ रास्ता है तो भाई, ये देख बहुत ही बढ़िया यार। हो यार अलग ही नज़ारा। और ये संसार चंद जी की टैंकी मजाक कर रहा हूँ। और ये है मेन यार, ये देखिए ये है मेन दरवाजा, यहाँ से आते थे पर ये इन्होंने यार कंस्ट्रक्शन वर्क में रोक दिया है। ये है मेन दरवाजा नीचे क्यों। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं टॉप पे, तो कुछ इस तरह से ये भी एक कमरे वगैरह बने हुए हैं। और आजकल के टाइम पे ये है सुसाइड पॉइंट, जो कि इन्होंने यार रेलिंग लगा दी हुई है यार, ये कांटेदार। तो यहाँ से जो है बंदे कूद जाया करते थे, जो भी हमारे आशिक वगैरह होते हैं वो यहाँ से कूदते हैं यार। ये है सुसाइड पॉइंट कांगड़ा फोर्ट का। तो ये देखिए इस तरह से व्यू, और कांगड़ा की वादियाँ, छोटे छोटे कमरे, ये देखिए यहाँ पे पार्टी वगैरह करते होंगे मेरे राजा रानी यहाँ शाम को। अभी हम लास्ट पॉइंट तक पहुँचेंगे जो कि बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और ये पेड़ तो उसी टाइम के हैं मेरे हिसाब से, है ना, उसी टाइम के पेड़ हैं ये, इन्होंने थोड़ी नहीं लगाए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया नज़ारा यार। और ये देखिए ये भी तोपखाने हुआ करते थे यार, उस टाइम पे ये भी तोपखाने हुआ करते थे। यहाँ पे जो तोहफे लगती थी और जो भी दुश्मन हुआ करता था उसको जड़ से मिटा दो भाई। और माता रानी जी का तो यहाँ पे हर जगह से दर्शन हो रहे हैं। और ये रहे तोपखाने कुछ इस तरह से, और पूरे कांगड़ा का नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही शानदार। और यहाँ पे पत्ते खेलते हुए हाँ पकड़े गए नौजवान जो कि गलत काम कर रहे हैं यार मुझे, है ना। और क्या, अरे इन प्लेसेस में आके ऐसे काम करोगे तो फिर कैसे चलेगा, आइए फ्री। और ये रहा यार कुछ इस तरह से, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे रात का टाइम जो भी स्पेंड करते होंगे तो यार देखिए यार, यार बढ़िया हाइट पे आ रहा मुझे, देख बोले यार सही बात है यार, बहुत बढ़िया हाइट पे यार, बहुत ज्यादा। सही में यार, तो ये महाराजा मिस्टर एसआर आ रहे हैं, राजा सौरभ चंद जी आ रहे हैं यहाँ पे, और ये हमारे राजा जी हैं। बहुत बढ़िया, बोलते थे क्या बोलते थे, जब पानी लिया क्या बोलते मंगवाते थे, क्या बोलते थे वो, जल लाया जाए, जल लाया जाए। तो ये देखिए यार कुछ इस तरह से नज़ारा यहाँ का, बहुत ही प्यारा है यार, बहुत ही प्यारा। तो दोस्तों ये है वो किला जो कि 3500 साल पुराना है और सुशर्मा चंद जी ने बनाया था, और वो कटोच फैमिली के वंशज हैं। और उनके आगे आगे जो वंशज आए, जैसे कि हमें याद है कि जो संसार चंद जी हैं जो लास्ट यहाँ के राजा हैं, और उनकी मृत्यु के बाद जो राजा रणजीत सिंह जी आए उनके अंडर आया, फिर उनके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको बताइए है जो पूरी इंडिया में उन्होंने कब्जा कर लिया हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद उन्हीं के अंडर आ गया ये। और पीछे देख सकते हैं आप जयंती माता जी का मंदिर, जो कि हमेशा सदा बहार यहीं पे रहेगा, माता रानी कहीं जाएंगी नहीं हमें छोड़ के। तो यार देखिए यार यहाँ पे ज़रूर आएँ। और ये जो किला है सबसे
टॉप हाइट पे है ये, मतलब पूरे पहाड़ वगैरह जो भी हैं। और यार मतलब राजा संसार चंद कहाँ पे हारा, अपने मेन गेट से हारा, और बाकी यहाँ पे कोई भी मतलब गेट नहीं है, और कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो ये नदी क्रॉस करता और जो पीछे नदी क्रॉस करता, ठीक है, और यहाँ पे आक्रमण करता इसके ऊपर। जहाँ जो भी यहाँ का राजा था वो हारा मेन गेट से, ठीक है, मेन गेट की वजह से सब कुछ मतलब तबाह। और 1905 में यहाँ पे भूकंप हुआ, जो कि उनकी जो रेट था भूकंप का 8-9 के बराबर था, ऐसे मानते हैं कि 7.8 के समथिंग था, पर इससे ऊपर ही था। तो ये पूरा तबाह हो चुका है यार। अभी आपने वीडियो में देख लिया होगा कि किस तरह से यहाँ पे रीबिल्ड कर रहे हैं इसको, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो जो टूटा है, और जो पत्थर का निर्माण हुआ है ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक स्टोन है, और अब भी जो इस्तेमाल कर रहे हैं चूना पत्थर है और भी कई पत्थर हैं, ठीक है। तो यार कुछ मतलब अब वैसी ब्यूटी रही नहीं है। अगर 100 साल पहले या 150 साल पहले हम होते तो तब आता मज़ा कि नहीं यार ये था किला, और अभी भी 2 स्तंभ वहाँ पे खड़े हैं तब के, 1905 के बाद के तब के खड़े हैं वो। और कुछ इस तरह से आपने मंदिर देख लिया होगा, अंदर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी है, जो भी कलाकृति बनाई हुई है उस टाइम के कारीगर ने। और यहाँ पे अंबिका देवी का टेंपल भी है और जैन टेंपल भी है, मतलब एक ही मंदिर में उन्होंने 2 मतलब वो किए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे राजा संसार चंद जी ने अपना हवन किया था कि माता रानी अगले दिन बारिश हो, जिससे कि अजनबी है वो मेरे शहर को और मेरे किले को लूटना छोड़ दे। और एक और मतलब गुप्त सूत्र से मेरे को पता चला है कि संसार चंद जी का यहाँ पे सुजानपुर में, जो कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ता है, वहाँ पे भी एक और किला है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो अपनी सोना चांदी हीरे ज्वारा जो भी थे उनके, तो वहाँ पे वो जमा करता था खुफिया तौर पे, कि वहाँ पे कोई जो अदर राजा है लूट ना ले। और मरते टाइम उसने श्राप दिया था कि मेरे अलावा उस खजाने को कोई नहीं ले पाएगा, और वो प्रमाण है आज भी। आज भी वहाँ पे अपने आर्कियोलॉजिस्ट जो भी गए हैं वहाँ पे ना, मतलब खोजकर्ता जो भी हमारे, तो वहाँ पे बताया जाता है कि उस खजाने की रक्षा कर रहे हैं वहाँ के जो आसपास में जो सांप वगैरह हैं वो रक्षा करते हैं, और वहाँ का जो खजाना अभी भी वहीं पे है। तो आप जा सकते हैं और यहाँ पे ज़रूर आएँ यार, टूरिस्ट प्लेस मतलब बहुत ही बढ़िया ये। अभी तो यार काम चला है मेरे हिसाब से, तो नेक्स्ट ईयर आएँ, ठीक है, तब तक ये काम वगैरह जो ख़त्म हो जाएगा, और तब तक माता रानी जी के दर्शन करें आप। जय हो जयंती माता रानी जी की, जय। दोस्तों देखिए कुछ इस तरह से ये है चबूतरा, चबूतरा कहेंगे ना, है ना, जो यहाँ पे व्यू पॉइंट है ये देखते हैं, और यहाँ पे राजा रानी अपना टाइम स्पेंड करते होंगे अपने टाइम पे। तो अभी आपको दिखा दिया है पूरा किला, तो अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं, जो कि रानी का तालाब है नीचे, वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से है और किस तरह से नहीं। तो बने रहे यार, खूब सारा प्यार करें, और बहुत सारे यहाँ पे धोखेबाज दोस्त मिले हैं मेरे को यार, आपको अब बताऊंगा कभी उनकी स्टोरी, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें और खूब सारा सपोर्ट करें बढ़िया तरीके से। तो अभी हम नीचे की तरफ निकल रहे हैं, जो कि रानी का तालाब है, तो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ का जो व्यू है आपको दिखाएंगे, और कैसे और किस जगह पे रानी नहाया करती थी अपनी सखियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ और अपनी दासियों के साथ, तो आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए यार, टूरिस्ट भी आए हुए हैं, लोकल ही है मेरे हिसाब से, तो बहुत ही बढ़िया। तो बने रहें वीडियो में है? और ये पेड़ यार देखो, 3500 साल पुराना पेड़ है यार, ये 3500 साल पुराना पेड़ है, ये अभी भी वैसा का वैसा ही है, टस से मस नहीं हुआ है, रंग रूप इसका बिगड़ गया है, पर वैसा का वैसा ही है ये। चलिए इस साइड आइए, इस साइड दिख लें, देख छोटा मोटा व्यू, हाँ यहाँ से रास्ता हो यार, मतलब बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। ये तो यार इन्होंने ऐसे यार थोड़ी केयर वगैरह नहीं की है, कर रहे हैं वैसे यार, केयर तो कर रहे हैं, पर वही ना मतलब भूकंप आ गया बस, और यार पीछे की वादियाँ नेक्स्ट लेवल की, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे है रानी का तालाब, वो वहाँ पे है रानी का तालाब, 1 किलोमीटर नीचे चल के वो है रानी का तालाब, देखिए। और कितना घना जंगल है यार, बहुत ही घना जंगल है यहाँ पे, बहुत ही घना जंगल।
ये फिर से हम यहाँ पे खुफिया रास्ते से निकल रहे हैं। ये देखिए खुफिया रास्ता यहाँ का, और यहाँ पे कुएं वगैरह भी हैं। ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये हैं कुएं वगैरह यहाँ के। और ये जिन स्तंभ की मैं बात कर रहा था, जो दो स्तंभ यहाँ पे टिके हुए थे, ये हैं दो स्तंभ वो, ठीक है। और कुछ इस तरह से है नज़ारा कांगड़ा किला का। हाँ आई के नीचे, और ये रहा पूरा कांगड़ा, और ये रहा जैन मंदिर, और ये अंबिका देवी मंदिर जो आपको मैं दिखा रहा था और जिस बारे में आपसे बात कर रहा था मैं। तो दोस्तों ये रहा आपका रास्ता जो कि रानी के तालाब के लिए जाता है। तो चलते हैं इस तरफ और आपको दिखाएंगे कि कैसा रानी का तालाब है, और वहाँ पे नहाया करती थी रानी और अपनी सखियों के साथ, तो आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो चले यहाँ पर, अभी इन्होंने लिखा यार नो एंट्री, तो देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचेंगे यार, क्योंकि यहाँ पर पुलिस वगैरह भी है, सिक्योरिटी गार्ड जिन्हें कह सकते हैं हम। तो ये देखिए गार्ड जो है वो भड़क भी पड़ रहा है यार, खाने पड़ जा रहा है यार, कुत्तों की तरह खाने पड़ जा रहा है यार। मतलब अब लिखा नो एंट्री, ठीक है, तो भी हम नीचे जाएंगे उनके आदेश के बिना, क्योंकि यार जंगली जानवर यार नीचे, आपको पता है 1 किलोमीटर मतलब जंगली जंगल है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे पहाड़ी में तो कहते हैं मिर्ग, ठीक है, तो जो लेपर्ड होते हैं वो होते हैं यार यहाँ पे, ठीक है, जिन्हें कहते हैं पहाड़ी तेंदुआ, ठीक है, तो वो होते हैं यार। तो अभी हम नीचे की तरफ नहीं जा सकते, ये हमारी मजबूरी है, नहीं तो आपको हम मतलब वीडियो के ज़रिए आपको दिखाते कि कैसे रानी का तालाब था यहाँ पे। पर खैर छोड़ो, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा, उसकी मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगा, कोई सीन नहीं है, ठीक है, रानी के तालाब की मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगा, तो आपको मैं वहाँ पे दिखाऊंगा उस वीडियो में कि कैसे रहा। तो ये देख सकते हैं इस तरह से है दीवार किले की, मतलब बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरे कांगड़ा का नज़ारा एक बार फिर से। और वो रहा म्यूज़ियम, वहाँ पे भी जाएंगे हम पर नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। और चलते हैं अभी घर। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं राजा जी के शौचालय में, ये रहा शौचालय उनका, और ये तब का पानी देख सकते हैं यार, शेर के मुँह से पानी, 3500 साल पुराना पानी अभी भी बह रहा है ये। और ये रहा तालाब, ये देखिए तालाब किस चीज़ का है, जो गंदा पानी अंदर से आता था ना, ये शौचालय का गंदा पानी, ये देखिए निकास भी है। तो ये यहाँ से पूरा भरता था, ये देख सकते हैं आप, ये शौचालय का पानी यहाँ पे स्टोर हुआ करता था, हाँ ना, शौचालय का पानी, वही मतलब जो भी गंदगी वगैरह। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये रहा शौचालय जो कि बहुत ही खतरनाक यहाँ पे ये देखिए छोटे छोटे वेंटिलेटर यहाँ पे लगाए गए थे, ये देखिए इस तरह से है ये शौचालय, सही में यारा खतरनाक ये देखना, शौचालय शौचालय भी इनके हाईटेक है, हाईटेक शौचालय। दोस्तों आज का व्लॉग कुछ इस तरह से था जो कि कांगड़ा किला का था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यू ऑल, राम राम सारे जो।